तो अभी जी हम आए हुए हैं हवेली के टॉप पे। तो अंजद भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं और मैं भी ब्लॉग बना रहा असलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। तो आज का सीन थोड़ा सा स्पेशल है। जो मुझे बिहाड़ी वाले ब्लॉग में अमजद भाई मिले थे, जिनके घर मैं गया था, तो उनका मुझे मैसेज आया था कुछ दिनों पहले कि मैं लाहौर आना चाह रहा हूँ। वो आ रहे हैं इधर, लेकिन हाँ वो गुजरांवाला से रहे हैं क्योंकि गुजरांवाला में रुके हुए हैं। लाहौर में एंटर हो जाएंगे तो मुझे फ़ोन कर देंगे, तो मैं भी वहाँ पर पहुँचूंगा। फूड स्ट्रीट की बैक साइड भी हमने मिलना है। मौसम ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और ज़्यादा सही भी नहीं है। तो अभी ये ट्रेन आ गई है। तो कल आया था जलजिला, हम समझे ट्रेन है क्योंकि हमें पता नहीं चलता था सर, क्योंकि ट्रेन का जब गुजरती है तब भी ऐसे ही लगता है कि जलजिला आ रहा है। लेकिन मैं बैठा हुआ था सोफे पे तो एकदम मेरे सामने पड़ा हुआ वहाँ से हिलने लग गया, तो उससे मुझे पता चला कि अब जलजिला आया है। पहले उनका प्लान था कि वो मुझे आके यहाँ से पिक कर लेंगे और फिर हम आगे चले जाएँगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि मैं वहीं पर आ जाता हूँ, आप भी वहीं पर आ जाओ। तो मैंने कहा ये ठीक रहेगा क्योंकि अंदरून लाहौर जाना है और वहाँ पे गाड़ी तो जानी नहीं है इस टाइम। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जब फिर मैसेज आता है तो फिर निकलते हैं। तो अभी उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि रास्ते में कहीं पे ट्रैफिक जाम है, तो थोड़ी सी देर और लग जाएगी। उतनी देर तक ये गाजर का जूस वगैरह पी लेते हैं और नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। फ़ोन आ गया उनका और काफ़ी देर हो गई, वहाँ रश लगा हुआ था। तो अभी मैं भी निकलता हूँ और मुझे लगता है कि रास्ते में कहीं एहतजाज हो रहा है तो वहाँ भी रश होगा। तो अभी निकलते हैं और वहाँ पहुँच के फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ये जी अमजद भाई हैं और जिनसे मैं भिहाड़ी में मिला था, और उस टाइम तो हमारे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा था। तो अभी फूड स्ट्रीट आए हैं और पार्किंग का यहाँ पे बड़ा इशू है क्योंकि कोरोना की वजह से इन्होंने बाहर की पार्किंग बंद की हुई है मेन। तो अभी अंदर फूड स्ट्रीट में आके बैठे हैं और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और पिक्चर्स और ब्लॉग भी मैंने करते देखे हैं एक दो। तो अमजद भाई भी यूट्यूब करते हैं और वैसे गुजरांवाला से हैं लेकिन भिहाड़ी में रहते हैं, कॉम सेट्स में वहाँ पर प्रोफेसर हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है वकाल से मिलके और कोलैबोरेट करके, और यकीनी तौर पे ये कोलैबोरेशन हमारी चलेगी। और बाकी ये है कि मौसम बड़ा अच्छा है और ब्लॉगिंग में मज़ा आने वाला है। आज के ब्लॉग की खास बात ये है कि इरफान जुनेजो और आठ भाई वासफ और गुरु वो नहीं है। तो कामरान वकाल साहब से हमारे दो तरह के रिश्ते बनते हैं, एक तो कॉमसेट का रिश्ता है और कॉमसेट यूनिवर्सिटी का रिश्ता है, और दूसरा रिश्ता है ओल्ड रवियन का। तो वी बोथ आर ओल्ड अवियंस और इस वजह से भी लाहौर के साथ भी हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का अटैचमेंट है। बेसिकली ये तो लाहौर से ही है और थोड़ी देर में अपने घर चले जाएंगे, हम थोड़े से परदेसी किस्म के लोग हैं। तो अमजद भाई का यूट्यूब का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर चेक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम इतने टाइम में। जनाब हम भाईजान नज़र आए हैं, इन्होंने बालों को उसी तरह कलर किया जैसे इस पीछे बिल्डिंग को कलर हुआ हुआ। तो भाई आपका क्या नाम है? उस्मान। तो ये बालों को जो आपने इतना खूबसूरत कलर किया है, इसकी खास वजह आपको अच्छा लगता है? तो फिर जब आप बाल कटवाते हैं तो फिर दोबारा से कलर कर लेते हैं? बस एक उम्र होती है शौक की, मेरे कहने का मतलब अब हम लोग हैं ना, हम इन्हें देखते हैं, हमें भी अपना वो बचपन वो चीज़ें याद आती हैं। अब हमारे दौर में इस तरह की नहीं, लेकिन शरारतें तो हुआ करती थी ना? बिल्कुल सही है। लेकिन ये इखलाक के भी अच्छे, हमारे साथ ही ने तकरीबन यहाँ पे कोई 1.5-2 साल हो गए सर, लेकिन बहुत यकीन करें हर इंसान, हमारे स्टाफ को तो छोड़े कस्टमर भी ऐसे हैं ना कि अधिकतर में यानी इनकी इज्जत करते हैं। इखलाक अच्छा है सबसे बड़ी बात। पाल साहब का एक शेर है सर के, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले,
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अभी जी हम आए हुए हैं हवेली की टॉप पे, और पहले मैं यहाँ पे नहीं आया कभी, और यहाँ से ये पूरा नज़र आता है जो लाहौर, ये बादशाह मस्जिद का मीनार है, और यहाँ से बादशाह मस्जिद के गुंबद नज़र आते हैं। तो अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या नज़र आता है। तो पूरा लाहौर ही नज़र आता है, और लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, और यहाँ पर नज़र दूर दूर तक तो नहीं आ रहा क्योंकि स्मोक और वो सारा कुछ आ गया है, और शाम का टाइम है, सूरज नीचे चला गया। बीच में थोड़ी सी व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, ये गुरुद्वारा है सिखों का। ओके ये गुरुद्वारा है, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है करीब ही अलामा इकबाल का मज़ार भी है। अलामा इकबाल का मज़ार ये वाइट के बीच इसके नीचे, हाँ ये थोड़ा सा छुपा हुआ है जी, तो बस टाइम मिला तो ज़रूर वहाँ भी हाजिरी देंगे। ये यहाँ पे करके है, हाँ बादशाह मस्जिद के मीनार की ना बिल्कुल पीछे आज़ादी फ्लाईओवर है, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये फूड स्ट्रीट के जो सारे नीचे से दिखा रहा था मैं, उसकी रूफ्स हैं, और वो पीछे जो आमतौर पर तो बंद ही रहता है, तो पीछे ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ दीवाने ख़ास, जहाँ पे शीश महल और बाकी चीज़ें। आगे रोज रोज बैके सच्चिया मोहब्बत निभा के, ये सारी यहाँ पे सिटिंग एरिया है, क्योंकि आजकल वो कोरोना की वजह से अंदर बैठना तो इन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि इनके अंदर सिटिंग होती है ज़्यादातर, तो वो हमारा रहता है पड़ा हुआ है, और ये हम जब भाई बैठे हुए हैं। तो आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं, और खाना वगैरह खा लिया है, अभी हम फ्री हो गए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।